नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। शहीद दिवस पर शहीद उद्यान में पतंजलि योग समिति हरदोई के द्वारा शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा हवन यज्ञ भी किया गया। पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी हरिवंश सिंह ने बताया कि हर देशवासी की जिम्मेदारी बनती है कि इन शहीदों के द्वारा दी गई राष्ट्र के लिए कुर्बानी को संजोए रखने के लिए हम सबको हर समय तैयार रहना चाहिए। आचार्य सत्यवीर प्रकाश आर्य एडवोकेट डॉक्टर राजेश मिश्र, राजेश कुमार सिंह, सोनू गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शहीदों को नमन किया। आज पतंजलि समिति की तरफ से शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। शहीदों में जो शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आज के दिन मुझे द्वारा फांसी दी गई थी, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनकी यादगार में उनको श्रद्धांजलि हम लोग यज्ञ करके उनकी आत्मा को शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसलिए करते हैं कि लोगों को प्रेरणा मिले कि जो हमें शहीदों ने राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखी थी, उनको हम कैसे सजोएं, उन्हीं के पदचिन्ह पर चल करके हम भी कुछ करने की तमन्ना रखें, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इनसे प्रेरणा ले कि हमारे राजगुरु सुखदेव और जो शहीद भगत सिंह हैं, जिन्होंने जो अपना कुर्बानी दी है उसको व्यर्थ न जाने दें, उसके लिए हम भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना करें। इसलिए योग करो, निरोग रहो और राष्ट्र के प्रति कुछ ऐसे कार्य करो जिससे हमारा राष्ट्र का नाम रोशन हो। आज का दिन भारत के इतिहास में अमर शहीद भगत सिंह चंद और राजगुरु सुखदेव, तीन शहीदों की शहादत का दिन है। और ये हमारे आदरणीय भैया हरिवंश जी, जो पतंजलि योग समिति के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, और आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्र जी, जो आज इस यज्ञ के ब्रह्मा हैं, इनके द्वारा ये यज्ञ हो रहा है। इसमें हरदोई के लिए एक विशेष गौरव की बात इसलिए है कि ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हरदोई निवासी जयदेव कपूर और शिव वर्मा जी के बंगले में ही डीएवी कॉलेज कानपुर में रहते थे और वहीं से सारी योजना बनी थी। भगत सिंह ने जो असेंबली बम फेंका था उसमें भी शिव वर्मा जी, जयदेव कपूर ने ही जाकर के वहाँ पर उनको स्थान चयन किया था। और शहादत के समय भी उसके एक दिन पहले जयदेव कपूर जो हरदोई के थे उनको उन्होंने अपना जूता और घड़ी दी थी। और आपने जो है हमारे डॉक्टर राजेश मिश्रा जी ने पूरे एक यात्रा निकाली थी शहीदों का संदेश देने के लिए, जिसमें उनके जन्मस्थल और कार्यस्थल दोनों तक आप पहुँचे थे। तो ये हरदोई के लिए बड़े गौरव की बात है कि ऐसे महान शहीदों का बलिदान दिवस, जिसमें हरदोई का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने 20-20 साल की सजा काटी है उनके लिए साथ रह करके, तो इसलिए हरदोई के लिए गौरव की। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।